नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़े दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इस सांसद ने की बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। जातीय गणना पर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक पर तेजस्वी का आया बयान। यूपी बिहार पर विवादित बयान को लेकर पप्पू यादव ने गोवा के सीएम को बर्खास्त करने की मांग। सत्यपाल मलिक ने चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की जताई आशंका। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर मंत्री चंद्रशेखर के दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। इस सांसद ने की बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार इन दिनों अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सांसद का एक बयान आया था कि यदि नालंदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहें तो वे खुद स्वेच्छा से हट जाएंगे। अब इसके बाद सांसद का एक और बयान सामने आया है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सांसद ने बजरंग दल को बिहार में बैन करने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम की पूजा सभी करते हैं, लेकिन बजरंग दल भगवान राम के नाम पर उनके सहायक और बहुत बड़े हितैषी होते जा रहे हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करके उसी से किसी न किसी तरह की गलतफहमी में घटना घटती है, इसलिए ऐसे संस्था को बंद कर देना चाहिए। ईडी के चार्जशीट में के कविता के पूर्व सीए के हवाले से यह बात आई सामने। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी की दूसरी चार्जशीट आ चुकी है। इस चार्जशीट के केशियार की बेटी के कविता के पूर्व सीए द्वारा कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर ने के कविता को प्रभावित करने की कोशिश की थी। दरअसल सीए बुच्ची बाबू की तरफ से कहा गया है कि मार्च 2021 में मामले में आरोपी अरुण पिल्लई और अभिषेक ने जूम कॉल पर विजय नायर और समीर महेंद्रू से बात की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। बुच्ची बाबू के हवाले से ईडी के चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि विजय नायर के कविता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि वह नीति में क्या कर सकते हैं। विजय नायर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के तरफ से काम कर रहे थे और विजय नायर उनकी तरफ से आबकारी नीति पर काम कर रहे थे। जातीय गणना पर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक पर तेजस्वी का आया बयान। पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई किया गया। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है और कहा है कि यह सुनवाई अब अगले 3 जुलाई को की जाएगी। ऐसे में 15 अप्रैल से चल रहे जातीय गणना के दूसरे चरण में चल रहे काम पर रोक लगा दिया गया है। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कल जातिगत गणना होगी, वह इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जातीय गणना करवाने का फैसला किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि सभी के विकास के लिए लिया गया था। शरद पवार ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बीजेपी को लेकर किए खुलासे। एनसीपी के नेता शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी लोकमांझी संगाती सामने आई है, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा करते हुए कुछ बातों का खुलासा किया है। दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पवार ने अपने इस जीवनी में लिखा है कि बीजेपी ने यह संभावना टटोलनी शुरू कर दी थी कि क्या एनसीपी के साथ गठबंधन की कोई संभावना हो सकती है, लेकिन मैं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। यह सिर्फ बीजेपी की इच्छा थी और बीजेपी के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों दलों के चुनिंदा नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। उन्होंने यह भी बताया कि एनसीपी की दिलचस्पी कम थी, इसलिए उसने बीजेपी के साथ नहीं जाने का फैसला किया और बीजेपी को यह साफ साफ बताना जरूरी था। अपने इस किताब में शरद पवार द्वारा आगे इस बात की चर्चा भी की गई है। किसी के अनुरूप उन्होंने नवंबर 2019 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्हें महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद किसानों के संकट से अवगत कराया। 10 लाख नौकरी और नई शिक्षक नियमावली को लेकर नीतीश तेजस्वी पर हमलावर हुए सुशील मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यह वादा सिर्फ एक धोखा है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि जिन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वे 9 महीने में एक आदमी को भी नौकरी नहीं दे पाए। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्त लोगों को दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने का फोटो सेशन करवाकर धोखा देने की कोशिश की गई है। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी के वादे से ध्यान भटकाने के लिए अब नई नियमावली के तहत बीपीएससी परीक्षा से 1.78 लाख नए स्कूली शिक्षकों के भर्ती का सपना दिखाया जा रहा है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिस शिक्षक भर्ती का ढिंढोरा पार्टी पीट रहा है, उसे लागू करने के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, जबकि इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देर रात धरने पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच हुई झड़प पर कांग्रेस ने कही ये बात।
बीते रात को दिल्ली पुलिस और धरने पर बैठे पहलवानों के बीच बवाल देखने को मिला। इस बवाल के बाद पहलवानों के तरफ से ही आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को गालियां दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बारिश की वजह से उन्होंने बेड मंगवाए थे, लेकिन पुलिस ने उनको बेड लाने से मना कर दिया, जिस पर विवाद बढ़ गया। अब इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट कर यह कहा है कि ये हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान रखा, हमें कई मेडल लाकर दिए। आज इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस बदसलूकी कर रही है। इनका गुनाह बस इतना है कि ये शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही है। अपनी ट्वीट में कांग्रेस ने आगे यह भी लिखा है कि मोदी जी आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। यूपी बिहार पर विवादित बयान को लेकर पप्पू यादव ने गोवा के सीएम को बर्खास्त करने की मांग। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के यूपी बिहार को लेकर विवादित बयान पर सियासी तापमान चढ़ता ही जा रहा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 90% मजदूर गोवा में अपराधों को अंजाम देते हैं। अब उनके इस विवादित बोल को लेकर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यह बिहारियों का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। यदि अपने इस बयान को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे तो मैं पटना में उनके खिलाफ केस करूंगा और गोवा पहुंच जाऊंगा। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में बिहारी मजदूरों की बड़ी भूमिका है। देश के कोने कोने में जमीन से लेकर आसमान तक बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी बातों को कहते हुए पप्पू यादव ने मांग की है कि बिहार को अपमानित करने वाले मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को वैसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। भूपेश बघेल के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने वाले बच्चे को बघेल ने बताया बजरंग दल का सदस्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करने के साथ ही कैप्शन में यह भी लिखा गया है कि भगवान राम का नाम लेने से परहेज कर रहा ये बच्चा मुझे गाली दे रहा है, यह बजरंग दल का सदस्य है। इस वीडियो में कथित रूप से यह एक लड़का बघेल लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है। बघेल ने आगे कहा है कि धर्म की आड़ में इन लोगों ने हमारे बच्चे को क्या बना दिया है। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर सभी बच्चों को हनुमान जी की तरह ज्ञानवान और बलवान बनाए। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कही ये बात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियां अपने तैयारी में लगी हुई है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अब इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि ये लोग अब अटल बिहारी वाजपेयी को भूल चुके हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि वे हमेशा वाजपेयी जी की तारीफ करते रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी के समय से कभी हिंदू मुस्लिम वाला झंझट नहीं था। विपक्ष के लोग भी खुशी से और मिलकर काम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रेल मंत्री बने नीतीश ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि बंगाल में उस दौरान बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था और 100 लोगों की मौत को देखकर हमने रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। नीतीश ने यह भी बताया कि इस्तीफे को अटल जी ने स्वीकार नहीं किया था। जब उन्होंने दूसरी बार अटल जी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया तब उनके इस्तीफे को अटल जी ने स्वीकार किया। राजस्थान के सीएम गहलोत और पायलट के राजनीतिक विवाद के बीच प्रियंका का राजस्थान दौरा। भारत जोड़ो यात्रा के समय राजस्थान आई प्रियंका गांधी अब एक बार फिर से राजस्थान के जयपुर आज आने वाली हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी का यह दौरा एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम माना जा रहा है। दरअसल इंदिरा गांधी के मौसी काटजू परिवार से मुलाकात के ख्याल से प्रियंका गांधी का यह जयपुर दौरा होने वाला है। इससे पहले राहुल गांधी जब भी जयपुर दौरे पर रहे तब उन्होंने काटजू परिवार के मुलाकात जरूर की है, लेकिन इसी बीच राजस्थान की गरमाई सियासत के बीच ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक चर्चा भी की जा सकती है। बता दें इन दिनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कई बार राजनीतिक विवाद भी देखने को मिले हैं। सत्यपाल मलिक ने चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की जताई आशंका। अभी हाल में ही AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने सत्यपाल मलिक के पुलवामा वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि मलिक को राज्यपाल के पद से उसी वक्त लात मार देनी चाहिए थी, लेकिन वे राज्यपाल की सीट से चिपक कर बैठे रहे और अब 4.5 साल बाद बोल रहे हैं। ओवैसी के इस बयान को लेकर मीडिया इंटरव्यू के दौरान अब सत्यपाल मलिक का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अशरुद्दीन ओवैसी को जानकारी नहीं है। मैंने उस वक्त भी पुलवामा का मामला PM के सामने उठाया था और कहा था कि हमारे लोगों की गलती से ये हुआ है। मैं चाहता था कि इस पर जांच हो और मुझे लगा था कि इस मामले पर जांच की जाएगी, इसलिए उस वक्त मेरे इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। वहीं मीडिया की तरफ से सवाल किया गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कोई और चेहरा उन्हें नजर आता है, तो उसका जवाब देते उन्होंने नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि दूसरे लोगों की तुलना में ये दोनों बेहतर है। वहीं केजरीवाल की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाना पटोले ने संजय राउत के बयान की
की आलोचना। एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रहा है। अब लोगों के बीच इस बात की चर्चा देखी जा रही है कि अब इस अध्यक्ष पद के लिए अगला चेहरा कौन होगा। इसी मामले को लेकर संजय राउत की तरफ से एक बयान सामने आया है। दरअसल संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, लेकिन उनकी पार्टी सोनिया गांधी की तरफ देख रही है, इसलिए एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बने शरद पवार पार्टी के नेता बने रहेंगे, उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। अब राउत के इस बयान पर नाना पटोले ने आलोचना करते हुए कहा कि हमने बार बार कहा है कि संजय राउत हमारी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। नाना पटोले ने सवाल खड़ा करते हुए यह भी कहा कि क्या आप कहेंगे कल फैसला उद्धव ठाकरे नहीं संजय राउत लेंगे। खड़गे वरिष्ठ नेता है, उन्हें संगठन का व्यापक अनुभव है। अगर संजय राउत ऐसे व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आई सवर्ण सेना। बिहार के पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर आरजेडी द्वारा विरोध किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में बिहार पर्यावरण मंत्री ने अपनी सेना भी तैयार कर ली है। अब इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब सवर्ण सेना सामने आ गई है। बता दें कि सवर्ण सेना ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान भी कर दिया है। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बाबा बागेश्वर का विरोध करेगा वो सही सलामत नहीं बचेगा। हम सनातनी बजरंगबली के भक्त हैं, बाबा बागेश्वर भी बजरंगबली के सेवक हैं। मालूम हो कि 13 से 17 मई के बीच होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर राजनीति बहस तेज है, जिसके फलस्वरूप ये सभी खबरें सामने आ रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मंत्री चंद्रशेखर के दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। बीते ही दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा कहा गया था कि यदि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नफरत फैलाने की कोशिश की तो जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को बिहार आने पर गिरफ्तार किया गया था वही कहानी उनके साथ भी दोहराई जाएगी। अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि यह सरकार खुद ही उन्माद फैलाने वाली सरकार है। ईद के अवसर पर अतीक के पक्ष में बीजेपी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या सरकार के पास ताकत है इसे रोकने की? यह उन्माद नहीं तो क्या है? साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि यह वोट के सौदागर है, इन्हें केवल उन्माद दिखता है। यह उन्माद इन्हें केवल हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। आगे उन्होंने कहा कि कभी इन्हें हिंदू आतंकवाद दिखता है और ये हिंदू के संतों का अपमान करते हैं। मेनका गांधी ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कही ये बात। अपने एक बयान को लेकर उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई हैं। इससे पहले भी बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने पहलवानों के यौन शोषण मामले को लेकर अपने ही सरकार को घेरे में लेते हुए कहा था कि अफसोस की बात है, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। लेकिन अब एक कार्यक्रम में शामिल हुई मेनका गांधी ने बच्चों को धार्मिक ग्रंथ कुरान, बाइबल और गीता आदि पढ़ने की सलाह दी है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 40-50 बार कुरान पढ़ी है और पैगंबर मोहम्मद की बात करते उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब खुद शाकाहारी थे। कोई भी धर्म व कौम हिंसा की बात नहीं करता है, सभी आपस में प्रेम व भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए अभी धर्मों की अच्छी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को स्वच्छता अपनाने, पेड़ लगाने और अंग्रेजी पढ़ने की भी सलाह दी है। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है सुरेश ओरम, मोहम्मद सकीर हुसैन, अली रेहान, अनवर करीम खान, पवन रॉय। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जातीय गणना बिहार के लिए फायदेमंद है या नहीं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।